हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओमकार अनंता के बारे में। ओमकार डेवलपर हैं। वैसे तो काफी सारा न्यूज में और इसमें मालूम पड़ा है कि भाई ओमकार डेवलपर जो हैं, काफी सारा उनका प्रोजेक्ट रुका हुआ है, केसेस चल रहे हैं। बट मैं ये ओमकार अनंता की मार्केटिंग इसलिए कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्डिंग में बिल्डर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भले प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट एग्रीमेंट मिलेगा बट ये सोसाइटी रजिस्टर हो चुकी है। प्रॉपर्टी ओमकार अनंता का OC आ चुका है, यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है। तीसरा एक और रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये गोरेगांव फिल्म सिटी का जो एरिया है वहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी ये प्राइस में नहीं है जो ये प्राइस देने वाले हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में सेल कर रहे हैं और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइटल क्लियर है और प्राइस अट्रैक्टिव है। बाकी सारी फैसिलिटीज जिस तरह नॉर्मल बिल्डिंग्स में है सब वैसे ही है। 24 आवर्स वाटर है, OC आ चुका है। तो आज इसी ओमकार अनंता के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। एक बार आपको मैं दिखाता हूँ कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है और मैं जो बात कर रहा हूँ रीजनेबल प्राइसिंग का, वो मैं प्रॉपर्टी दिखाने के बाद बात करूंगा कि क्या रीजनेबल प्राइस दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं। पहले आइए प्रॉपर्टी देखते हैं। 2 BHK का फ्लैट है, इसमें किस टाइप का है, एलिवेशन कैसा है, एंट्रेंस लॉबी कैसा है, ये मैं दिखाता हूँ। उसके बाद फिर साइजिंग और प्राइसिंग की बात करूंगा दोस्तों। ये मेन एंट्रेंस है ओमकार अनंता का। यहाँ से वॉकिंग आप जाते हैं तो 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको गोरेगांव फिल्म सिटी आ जाता है। तो जो फिल्म सिटी में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी है। यहाँ से आपको ज्यादा ट्रैवलिंग का कुछ टेंशन नहीं होगा, यहाँ से आप वॉकिंग भी जा सकते हैं। अगर आपके पास स्कूटी बाइक कार कुछ भी हो तो इजिली आप पहुंच जाते हैं गोरेगांव ईस्ट के एरिया में। ये मैं आपको एंट्रेंस दिखा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए, ये कुछ 30-40 सेकंड का है। ये देख रहे हैं आप, ये 4 से 5 माले 6 माले तक सिर्फ इसमें पोडियम पार्किंग ही दिया हुआ है। उसके बाद पहला माला ही स्टार्ट होता है इसमें लगभग 7 माले से, और आप जब 5-6 माले पे प्रॉपर्टी 5th-6th फ्लोर पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो लगभग आप 12th पे पहुंच जाते हैं। और ऊपर आप देखें तो एक हाइट पे ये बिल्डिंग बना हुआ है तो काफी बढ़िया एक वहां से व्यू मिलता है। ये इसका पोडियम जो फर्स्ट फ्लोर है, ये लगभग 6-7 माले पे इसका फर्स्ट फ्लोर आता है और हाइट पे होने के कारण यहाँ से आपको व्यू बहुत खूबसूरत मिलता है। चारों तरफ एक नेशनल पार्क का व्यू मिलता है, सिटी का भी व्यू मिलता है। जब आप देखेंगे आगे मैं फ्लैट से आपको दिखाता हूँ। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है, हर एक एंट्रेंस लॉबी इतना ही डेकोरेटेड खूबसूरत बनाया है ओमकार डेवलपर ने। और यहाँ से मैंने अभी सिक्योरिटी को हटाया है बिकॉज अभी वीडियो शूट कर रहा था मैं इसके लिए। सारे हाई स्पीड लिफ्ट दिया है और बैक साइड भी इसका ओपन स्पेस है। ये इसका इमरजेंसी एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट यानी स्टेयरकेस है, सीढ़ी है। अभी तो कितना जितने हाई स्पीड लिफ्ट आ गए इतने ऑप्शंस रहता है कि सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको इमरजेंसी एग्जिट बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली जो लोग हेल्थ के लिए अवेयर हैं वो सीढ़ी का इस्तेमाल आज भी करते हैं। 8 माले 10 माले में रहते हैं तो वो वॉकिंग नीचे जाते हैं और वॉकिंग ऊपर भी जाते हैं ताकि उनका हेल्थ स्ट्रांग रहे, अच्छा रहे। तो उसके लिए भी आप स्टेयरकेस यूज कर सकते हैं। इस चीज को मैं भी फॉलो करता हूँ, कभी कभी मैं खुद भी स्टेयरकेस से ही जाता हूँ बिकॉज आप देखें तो एक अच्छा वॉक हो जाता है आपके बॉडी हेल्थ के लिए। हर एक फ्लैट में आपको पार्किंग मिल जाता है, पार्किंग के भी ऑप्शंस काफी हैं। आप ये देख सकते हैं हाइट पे बिल्डिंग बनने का और हाइट पे फ्लैट लेने का बेनिफिट ये है कि आपको एयर का वेंटिलेशन, सनलाइट, एयर आपको बहुत ही बढ़िया चारों तरफ से घर में मिलता है और एक पॉजिटिव वाइब्स चारों साइड से बना रहता है। अभी देखते हैं इसका 2 BHK की प्रॉपर्टी किस टाइप का है। काफी बढ़िया एक स्पेसियस, वैसे तो ओमकार वालों ने जहां जहां पे भी बनाया है इनका फ्लैट काफी बढ़िया स्पेसियस रहता है। और इसमें आपका प्रॉपर्टी खरीदने का एक प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि
यहाँ पे ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है, सोसाइटी हैंडओवर हो चुका है, आपका जैसे प्रोसेस खत्म होता है पूरा पेमेंट जाता है, आपको लॉक इन की चाबी मिल जाता है। यहाँ पे कुछ भी आपको देखना समझना नहीं है, पैसा देना है, लॉक इन की फ्लैट लेना है। यहाँ पे ये जो लिविंग डाइनिंग आपने देखा, इसमें डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, टीवी यूनिट एरिया आप सेट कर सकते हैं अपने इंटीरियर डेकोरेटर को बुला के। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम में एक एक्स्ट्रा अंदर के साइड को मैं लेके दिखा रहा हूँ कि यूटिलिटी स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। एक यूटिलिटी स्पेस इसमें एक एक्स्ट्रा जगह दिया हुआ है मास्टर बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में जगह दिया हुआ, वहाँ पे भी आप चाहें तो वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या एक्स्ट्रा कुछ यूज कर सकते हैं, दोनों में कहीं भी जगह आपको कम्फर्टेबल लगे तो आप कर सकते हैं। किचन में सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, अपर कैबिनेट्स दिया हुआ है, ये एज इट इज आपको मिलेगा, सारे फ्लैट्स में इन्होंने ऐसे ही दिया है। तो मॉड्यूलर किचन अगर आप बनाना चाहें अलग से तो बना सकते हैं, अदरवाइज इन्होंने तो आपको बना के दिया ही है, और ऐसा नहीं अच्छा मटेरियल यूज किया है, सारे ब्रांडेड मटेरियल इन्होंने यूज किया है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फर्नीचर बनाना पड़ेगा। अभी मैं आपको कॉमन बेडरूम दिखा रहा हूँ, कॉमन बेडरूम इन द सेंस इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, कुछ लोग कॉमन बेडरूम बोलते हैं, कुछ लोग गेस्ट बेडरूम बोलते हैं, कुछ लोग इसको गेस्ट बेडरूम बोलते हैं, अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। और इसमें बालकनी नहीं है, लेकिन एक बड़ा सा छज्जा दिया हुआ है जहाँ पे आप अगर बाद में सोसाइटी परमिशन देती है तो आप ग्रिल लगा के उसको कवर कर सकते हैं, जब बालकनी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ स्टोरेज रखना हो तो आप रख सकते हैं, एसी का आउटडोर रख सकते हैं, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस में यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही आपको राइट हैंड साइड पे, फर्स्ट राइट हैंड साइड पे मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम इन द सेंस अटैच्ड वॉशरूम, इसमें आपको बाहर यूज करने नहीं जाना है, आपको मास्टर बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है। इसमें वॉश बेसिन एरिया, कमोड एरिया, बाथ एरिया तीनों को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। उसके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं पूरा बेडरूम दिखा रहा हूँ जिसमें एल शेप में विंडो दिया हुआ है, और इसमें भी एक एक्स्ट्रा जगह दिया हुआ है जहाँ पे आप चाहे तो मंदिर बना सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकते हैं, इतना जगह यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे तो दोस्तों बता दूं कि गांव में जो घर होते हैं वहाँ तो 4-5 फुट 10 फुट मायने नहीं रखता, लेकिन फ्लैट्स में 1-1 फुट मायने रखता है, बिकॉज इतनी फैसिलिटी होती है। एल शेप में विंडो होने का एक बेनिफिट ये है कि आपको दो साइड से वेंटिलेशन मिल जाता है, अगर ईस्ट से हवा चलता है तो नॉर्थ में निकल जाता है, और अगर वेस्ट से हवा चलता है तो नॉर्थ से साउथ में निकल जाता है। तो ये एल शेप में विंडो जो बिल्डर देते हैं यही इंटेंशनली देते हैं कि उसमें एक पॉजिटिव वाइब्स बना रहे, हवा का फ्लो हमेशा बना रहे, सनलाइट भी बना रहे, जिस भी दिशा से धूप आता हो दोनों दिशाओं से हवा और धूप फ्लैट के अंदर आए। स्क्वायर में हॉल है बट काफी बड़ा स्पेस इन्होंने दिया है, करीबन 650-700 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये फ्लैट जो मैं गोरेगांव का आपको दिखा रहा हूँ, दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का भी एक अलग ही बेनिफिट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी लेते हैं, नहीं भी रहना हो ना तो भी आपको फायदा है। यहाँ पे करीबन 50-60,000 रेंट आता है, जनरली आप देखें कमर्शियल में ये रेंट नहीं आता, कमर्शियल में अगर आप जाते हैं ना तो वहाँ पे आपको 50,000 रुपया अगर आपको रेंट चाहिए, 50,000 रेंट चाहिए, तो आपको 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आपको 50-55,000 भाड़ा मिलेगा। यहाँ आपको 1-30, 1-25, 1-50, 1-40 इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही आपको सिर्फ सीधा सीधा 55,000 रुपया भाड़ा मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है इन्वेस्टर्स के लिए भी, अगर आप रियल यूजर हैं तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि सस्ते में मिल रहा है। ये एरिया में 2-2.5 करोड़ के नीचे फ्लैट नहीं है, और यहाँ पे टाइटल के मामले में आपको देखना नहीं है। ये इसका पोडियम पार्किंग है, जिम्नासियम भी है इससे, लेकिन जिम्नासियम में लोग जिम में वर्कआउट कर रहे थे तो मैं वहाँ पे वीडियो परमिशन मिला नहीं, बिकॉज वहाँ पे जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनका फेस आ जाता था, इसके लिए हमने वहाँ पे लिया नहीं। इसमें एक जिम्नासियम भी है और ये पूरा पोडियम पार्किंग है। अभी मैं डिटेल आके बताऊंगा कि क्या प्राइजिंग साइजिंग वगैरह है फ्लैट का, वो भी आप जान लें दोस्तों।
ओमकार अनंता के बारे में वैसे तो काफी लोग जानते हैं, फिर भी कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट में बता दूं, ओमकार मजेसवाड़ी, ओमकार बीके क्रॉसिंग फेज 2, ओमकार वायु, ओमकार अल्टामोंटे, ओमकार सिग्नेट, ओमकार गैलेक्सी, ओमकार मेरिडिया, ओमकार 1973, ऐसे कई प्रोजेक्ट उन्होंने डेवलप किया है वर्ली, बोरीवली, दादर, कांदीवली, मलाड के एरिया में। अब मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ ओमकार अनंता का, जो अपने अभी फ्लैट देखा है, किस टाइप की प्रॉपर्टी, एलिवेशन सब मैंने आपको दिखाया, और बगल में ही गोरेगांव फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी के ज्यादातर लोग वहाँ पे परचेस कर चुके हैं प्रॉपर्टी, बहुत ही बढ़िया लोकेशन भी है, रेडी टू मूव ओसी के साथ ये प्रॉपर्टी है, 3.5 एकड़ का, 3.5 एकड़ का लैंड पार्सल है इनका, लैंड एरिया है, लगभग 37 स्टोरी टावर है, 2 विंग की पूरी सोसाइटी है ये, हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 4 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है, 3 लेवल इसका पोडियम पार्किंग है, और 4th लेवल इसका एमिनिटीज है, और 5th लेवल से इसका रेजिडेंशियल स्टार्ट हुआ है, 5वें माले से फ्लैट बनना शुरू हुआ है, यानी 1st फ्लोर आपका 5th फ्लोर पे आता है, 4 माले पे भी अगर आप घर लेते हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर से देखें तो लगभग 10 माले पे पहुंच जाते हैं। ओसी रिसीव्ड प्रोजेक्ट है ये, आईटी पार्क और फिल्म सिटी का दोनों साइड का व्यू है, बैक साइड का आप देखें तो आपको नेशनल पार्क का व्यू मिलता है, लोकेलिटी इसमें कॉस्मो है, ज्यादातर तो हिंदू ही है बट कॉस्मो भी है, सभी बैंकों से अप्रूव्ड है, किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो इजिली आपको लोन हो जाएगा, जिसमें SBI, कोटक, HDFC, LIC, क्योंकि बिल्डिंग की ओसी आ चुकी है तो वो सब बातों में कुछ समझना नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन इसमें सिर्फ 2BHK है, 2BHK में ही 3 टाइप का 2BHK है, बड़े छोटे अलग अलग साइज में, जो मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूँ। 2BHK का कार्पेट एरिया जो सबसे नॉर्मल है वो 644 है, यानी 644 स्क्वायर फुट का इसका कार्पेट एरिया है, 644 यानी लगभग 650 स्क्वायर फुट कार्पेट एरिया काफी बढ़िया होता है। और ये जो प्राइस दे रहे हैं दोस्तों, ये प्राइस आपको पूरे गोरेगांव में वहां पे देखें तो जनरली वहां का जो प्राइसिंग चल रहा है करीबन 2.25 करोड़ के आसपास चल रहा है, इसकी जो प्राइसिंग है 1.30 CR ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। अभी जो हमने वहाँ पे 1-2 प्रॉपर्टी सेल किया है ये 1.30 CR, 1.30 CR में 1.30 करोड़ रुपए में ऑल इंक्लूसिव दे रहे हैं आपको विद पार्किंग, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा 663 यानी 663 स्क्वायर फुट का जो फ्लैट है वो 135, और थर्ड जो है 2BHK 160 वो उसका 752 यानी लगभग 750 स्क्वायर फुट का फ्लैट है। ये 3 टाइप के फ्लैट है, ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ये इसका कोटिंग प्राइस बता रहा हूँ, ये प्राइस इसमें भी अच्छा खासा नेगोशिएबल होगा। मैं प्राइसिंग की बात करूँ दोस्तों, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे एग्जैक्ट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज एक बार जब प्राइसिंग बता देते हैं तो वीडियो अगर 10 दिन 15 दिन 1 महीना आगे पीछे हो जाता है तो फिर प्राइसिंग बिल्डर का कभी उनके सेल्स के हिसाब से चेंज भी होता रहता है, तो एग्जैक्ट प्राइसिंग आपको मैं बता दूं फिर बाद में प्राइस चेंज हो जाए तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप मुझे एग्जैक्ट, जैसे जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप मुझे फोन करें, मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि उसका फ्लैट कॉस्ट बॉटम प्राइस क्या है, उसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस क्या आएगा उस वक्त के अनुसार। ओमकार अनंता के गिफ्ट वाउचर की बात करूं, हर एक प्रोजेक्ट में हम लोग जिसके भी प्रमोशन करते हैं उसमें हम होलसेल में 100-200 फ्लैट बेचते हैं, और आप 1-2 फ्लैट खरीदते हैं या 3 फ्लैट खरीदते हैं तो आपका जो परचेसिंग है और हमारा जो सेलिंग का जो क्वांटिटी है वो काफ़ी फ़र्क होता है। मैं और हमारी टीम करीबन 50-60 लोग की टीम है हमारी, हम लोग 100-200 फ्लैट बेचते हैं तो हम लोग जो प्राइजिंग में हमें मिलता है बिल्डर से डिस्काउंट मिलता है और आपके जो प्राइजिंग में मिलता है बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। तो हमारे जो होलसेल का जो डिस्काउंट प्राइस मिलता है उसमें से कुछ पार्ट एज ए गिफ्ट वाउचर हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो गिफ्ट वाउचर है 2BHK का, सीधा सीधा इसमें हम लोग 2BHK के ऊपर स्ट्रेट 50,000 का गिफ्ट वाउचर है। अगर आप हमारे चैनल के थ्रू बुक करते हैं तो वहाँ का जो बॉटम प्राइस है उसमें भी हम आपको करवा के देंगे डील, साथ ही साथ हमारी ओर से गिफ्ट वाउचर भी 50,000 का रहेगा, साथ ही साथ हमारी टीम जो आपको सर्विस देगी वो तो देगी ही, ये आपको हमारे साथ डील करने का एक्स्ट्रा बेनिफिट है दोस्तों। आपको प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे हमें आप फोन करें, मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करेंगे आपको प्रॉपर्टी परचेस करवाने में दोस्तों। और ये जो गिफ्ट वाउचर है ये जब मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ वीडियो में इसके बाद 1 साल तक लागू रहेगा, 1 साल के बाद फिर हम देखेंगे उसको एक्सटेंड करना है कि नहीं, लेकिन 1 साल तक ये लागू रहेगा कि 1 साल के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो ये गिफ्ट वाउचर आपको हमारी ओर से मिलेगा दोस्तों। कोई भी न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझना जरूरी है, जो आप समझ लें पहले। आप ज्यादा से ज्यादा कितना खरीद सकते हैं, 1 फ्लैट 2 फ्लैट जोड़ी या 3-4 फ्लैट खरीद सकते हैं। हम लोग ये डिस्काउंट ऑफर और गिफ्ट वाउचर की बात करते हैं, स्कीम की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं दोस्तों कि 50-50
100 फ्लैट 200 फ्लैट हम लोग बेचते हैं एक एक प्रोजेक्ट में, जिसके कारण आप छोटे ब्रोकर छोटे सीपीस के साथ काम करें तो उसकी बात नहीं बता सकता, लेकिन हमें जो डिस्काउंट मिलता है, हमें जो ऑफर मिलता है वो आप कंपेयर करें तो बहुत रेयर सीपीस को मिलता है। आप हमारे थ्रू फोन करें, हमारे थ्रू बुक करें, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट श्योर एंड शॉर्ट हम करवा के देंगे दोस्तों। और देखने को मिला है कि कई बार जब आप बिल्डर के पास डायरेक्ट चले जाते हैं और हमारा प्राइस आपको मिलता है और उसके बाद आप हमें फोन करते हैं कि आपका प्राइस इतना है, बिल्डर हमें इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कई बार ऐसा फेस किया है कि कस्टमर जब डायरेक्ट बिल्डर के पास डेवलपर के ऑफिस में जाके चले जाते हैं तो वहां उनके CRM सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री हो जाती है और वो एंट्री करीबन 3 से 6 महीने की रहती है। उसके बाद एक बार आपके CRM सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाती है उसके बाद हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई प्राइस में डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज बिल्डर का ये कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं। तो आपको एक बात बता दें, कभी भी आप बिल्डर के पास जाएं तो आप जिस CP से कनेक्टेड हैं उस CP को साथ में लेके जाएं तो ही उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई चैनल पार्टनर यानी CP नहीं है तो आप हमें फोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे उस प्रॉपर्टी को परचेस करवाने में जिसको भी हम इस चैनल पर प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप कभी भी जाएं बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए तो चैनल पार्टनर या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके जरूर जाएं। अकेले जाने के बाद टैग होने के बाद हम CP या चैनल पार्टनर या डीलर कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी दो टीम काम करती है, एक बिल्डर के लिए एज ए चैनल पार्टनर काम करती है और दूसरा रिसेल की प्रॉपर्टी के लिए या बिल्डर के लिए एज ए प्रॉपर्टी डीलर काम करती है, दोनों टीम हमने डिवाइड कर रखा है। तो आप अगर CPs के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें, अगर डीलर के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें, हम दोनों लेवल पर आपकी हेल्प करेंगे वहाँ का सही प्राइस सही डिस्काउंट सही ऑफर में प्रॉपर्टी दिलाने का। दोस्तों ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे 500, 1000, 2000 का खेल नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा थोड़ा सा अगर आपको जानकारी ना हो तो 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया एक झटके में चला जाता है, जो आपकी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी लगन की कमाई होती है जो लॉस हो जाती है। तो बिल्डर को तो कुछ नहीं फर्क पड़ता आपके 10-20 लाख में, लेकिन आपको जरूर फर्क पड़ता है क्योंकि बिल्डर 5,000, 1,000, 2,000 फ्लैट बेचना है, आपको तो 100 फ्लैट भी नहीं लेना है, आपको तो 1 या 2 फ्लैट लेना है दोस्तों। तो आप जरूर किसी ना किसी को लेके जाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे क्या वहां पे चल रहा है। एमिनिटीज की बात करूं, इसमें एमिनिटीज सब डेस्क पे है, ई डेस्क यानी कि 4th फ्लोर पे सारी एमिनिटीज है, जिसमें इंडोर गेम्स, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, वॉकिंग एरिया, जॉगिंग ट्रैक, ओपन पार्टी हॉल, जिम्नासियम और ये सब काफी बढ़िया एक एमिनिटीज दे रहे हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट देखें तो बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, चारों तरफ आपको नेचुरल वातावरण मिल जाता है, चारों तरफ देखें तो हिल व्यू और फॉरेस्ट का व्यू मिल जाता है आपको। कुछ कनेक्टिविटी मैं बता दूं यहाँ से आसपास में कनेक्टिविटी क्या है, आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाएंगे खरीदने जाएंगे तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। सरस्वती विद्या मंदिर, उसको SBM स्कूल भी कहते हैं, रॉयल एकेडमी स्कूल, आदित्य एकेडमी स्कूल, राधा कृष्णा हॉस्पिटल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, DCB बैंक, सरस्वती बैंक, बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड, गोकुलधाम मंदिर, चर्च, मस्जिद, गार्डन, ग्लोबल 101 मॉल, गोरेगांव फिल्म सिटी, ये सब आपको बिल्कुल 2 से 5 मिनट के अंदर ही आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। 10 से 15 मिनट के अंदर आप गोरेगांव रेलवे स्टेशन, गणेशा आमदास, जालान कॉलेज, जारो मेट्रो स्टेशन, PVR आइकन, ओबेराय मॉल, कार्निवल सिनेमा, OC वारा, द मूवी टाइम, हब मॉल, इन्फिनिटी मॉल, इनऑर्बिट मॉल, डी मार्ट, माइंड स्पेस, IT पार्क, नटराज मार्केट और 30-45 मिनट के अंदर आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्सोवा बीच, मड बारमे बीच, जुहू बीच, अंधेरी, बंडा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मदर मेरी चर्च, ये सब आप बिल्कुल 1 घंटे के अंदर ही रीच कर जाते हैं दोस्तों। मुंबई से बाहर हैं तो उनके लिए ये नॉलेज जरूरी है। आइए जानते हैं हमारे किन किन सर्विसेज के जरिए और भी हम अपने कस्टमर्स को बेनिफिट करवाते हैं दोस्तों। सर्विसेज में हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन का भी काम करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी आप हमसे परचेस करते हैं तो होम लोन के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको होम लोन भी हम पूरा करवा के देंगे, उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विस देंगे, डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे और पूरा आपका काम करके देंगे। आगे दोस्तों बताऊं, हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल और बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। कभी कभी हमारे पास जो रीसेल में प्रॉपर्टी आती है, आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं वैसे हजारों लाखों लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अगर उनको अर्जेंट में कुछ प्रॉपर्टी सेल करना रहता है किसी भी लोकेशन में तो हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी हमें ये प्रॉपर्टी सेल करना है और अच्छा खासा प्रॉपर्टी आप देखें तो 20-20, 30-30 लाख रुपये, 10-10 लाख रुपये डिस्काउंट में वो मार्केट से सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर अर्जेंट में बेचना है तो मुझे भाव कम करके बेचना पड़ेगा।
पड़ेगा। और ऐसे मैंने कई लोगों को बेनिफिट करवाया है, गए महीने भी 4-5 प्रॉपर्टी हमने रीसेल में बेचा है जो 10-10 लाख रुपये कम भाव में बेचा है। ऐसी अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। साथ ही साथ जो बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी आती है वो भी 30-40% डिस्काउंट पर प्रॉपर्टी आती है जो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। बैंक ऑप्शन करती है, कोई कुछ जो EMI नहीं पे कर पाते हैं उनका फ्लैट या प्रॉपर्टी उनकी ऑप्शन में चली जाती है तो वो सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट में मिल जाता है। और दूसरी जो हमारे पास लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है, बिल्डर को जब स्टार्टिंग बेस खड़ा करना होता है और लॉन्च करते हैं प्रॉपर्टी तो कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी PLC डिस्काउंट होता है, कभी फ्लोराइज डिस्काउंट होता है। ये सब जो डिस्काउंट वाली और फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पर डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें कि जब भी मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी डालूं, फायदे वाली डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी डालूं, तो सबसे पहले उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसकी आपको सूचना मिल सके और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले सकें। दोस्तों अगर आप YouTube पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, अगर आप WhatsApp से ज़्यादा फ्रेंडली हैं, WhatsApp हमेशा यूज़ करते हैं, तो हमारा WhatsApp नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा WhatsApp पे है, आप आपके WhatsApp नंबर से आपका नाम, आपका लोकेशन, आपका बजट हमें लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी या फिर आपके बजट से रिलेटेड, आपके जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जब प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जल्द से जल्द वो आप इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे और अगर आपके पास पेमेंट हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके काम की चीज़ हो, तो आप उसको परचेस करके उसका फ़ायदा भी ले पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, फ़ायदेमंद लगता है, तो आप अपने फ्रेंड और फैमिली से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अगर प्रॉपर्टी की नीड हो, परचेस करना हो और अगर उनके पास कोई आसपास में प्रॉपर उनकी टीम नहीं हो या कोई डीलर नहीं हो या कोई चैनल पार्टनर नहीं हो तो हम उनको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी दिलाने में, स्टार्ट टू एंड पूरा डील करवाने में और क्लोज करने में। दोस्तों वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए और हमें इतना पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। जो भी कोई फायदे की प्रॉपर्टी होगी या डिस्काउंट की प्रॉपर्टी, ऑक्शन की प्रॉपर्टी या अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होगी उसमें नए वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स हमें दीजिए इजाज़त। दोस्तों नमस्कार।